अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है अल्केन्स। ये हाइड्रोकार्बन की टाइप है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी प्रिपरेशन और इसके अक्रेंस या सोर्सेज वगैरह। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स पे देखें तो सबसे पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो कार्बन काउंटिंग। आपको ये अच्छी तरह याद होनी चाहिए, मिथ एक कार्बन को कहते हैं, इथ दो कार्बन को, इस तरह ये डेक तक चलते रहता है। और हमें ये भी पता है कि एक कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। और ये आप देखें, ये सी के साथ हाइड्रोजन है, चार बॉन्ड बनाए हुए हैं। और अगर हम इस तरह दो कार्बन बनाए उसके साथ हाइड्रोजन लगा दें तो इस तरह तीन कार्बन हैं, इनके चार बॉन्ड पूरे कर दें। एक कार्बन को मिथ कहते हैं, दो कार्बन को इथ कहते हैं, तीन कार्बन को प्रोप कहते हैं, और कार्बन कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड हो तो हम इसको एन कहते हैं। तो इसी तरह इसका नाम बन जाएगा मीथेन, और इसका नाम बन जाएगा इथेन, इसका नाम बन जाएगा प्रोपेन। ये इसकी बेसिक्स हैं। और अगर हम इसका जनरल फार्मूला देखें तो इसको हम CnH2n+2 से शो करते हैं, मतलब जितने कार्बन होंगे उससे डबल प्लस टू हाइड्रोजन होंगे। मतलब ये फर्ज किया दो कार्बन है, दो को दो से मल्टीप्लाई करेंगे, 2n 4+2 तो 6, ये आप देखें हाइड्रोजन है। इस तरह ये इसके साथ मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया, तीन कार्बन है तो इसके साथ जो हाइड्रोजन होंगे वो 3 2 6+2 8 होंगे, C3H8। तो ये अल्केन्स हैं। इसके जो हैं सोर्सेज वगैरह जो हैं, ये पहले जो है ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, ये लीस रिएक्टिव है इसलिए इनको पैराफिन्स कहते हैं। ये होमोलोगस सीरीज बनाती हैं, इसमें एक कंपाउंड और अगले के दरमियान CH2 का डिफरेंस होता है। फर्ज किया C3H8 है तो उसके बाद C4H10 होगा, तो इसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ से पाया जाता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। और ये जो नेचुरल गैस है उसका 80% जो है ये मीथेन बनाती है, और ये क्रूड पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी हमें मिलती है। और बैक्टीरियल अटैक जब करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों पे तो उसके मार्श गैस के जरिए मिलती है, फ्यूल गैस में पाई जाती है, गोबर गैस, सीवेज गैस, बायोगैस वगैरह में ये पाई जाती हैं एल्केन्स, स्पेशली इनमें मीथेन। अगर हम इसकी प्रिपरेशन देखें तो इसको हम दो तरीकों से और काफ़ी सारे मतलब इसके मेथड्स हैं, लेकिन जो आपकी बुक में या मैट्रिक में जो दिए हुए हैं वो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स हैं, और दूसरा है रिडक्शन ऑफ अल्काइलेट्स। अब हमें पता है कि जो डबल बॉन्ड होता है उसके अंदर कैपेसिटी होती है दो एटम को एडजस्ट करने की, तो वो एक बॉन्ड टूट जाएगा और एक एक एटम उसमें हर कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। अब ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे तो ये CH3 CH3 हो जाएगा और बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। ये है अल्कीन के जरिए। अब अल्काइन में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो पहले वो अल्कीन बनेंगे और फिर हम मजीद हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो अल्केन बन जाएंगे। तो ये दो एक तरीका ये है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। हाइड्रोजनेशन किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब रिडक्शन ऑफ अल्काइल ऐड है, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। वैसे तो ऑक्सीजन का रिमूव होना भी रिडक्शन होता है। अब अल्काइल ऐड जो है ये CH3Br है, इसमें हम दो हाइड्रोजन मतलब इनके साथ रिएक्शन करेंगे, एक हाइड्रोजन सी के साथ अटैच हो जाएगा तो ये CH4 हो जाएगा, और दूसरा हाइड्रोजन बी आर के साथ ये HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड बना देगा। तो ये इसकी दो अहम मतलब प्रिपरेशन के मेथड्स हैं। फिर आ जाते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अगर हम कार्बन 1 और 4 तक जो होती हैं अल्केन्स, ये गैस की फॉर्म में पाए जाते हैं, कार्बन 5 से 10 तक लिक्विड में, और जो हायर कार्बन नंबर के होते हैं वो सॉलिड में पाए जाते हैं। ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर या नॉन जो दूसरे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सॉल्वेंट्स, उसमें अगर सॉल्व डिजॉल्व होते हैं। इनकी डेंसिटी जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती है इसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है, और इस तरह इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं, इसकी विस्कोसिटी बढ़ती जाती है, और ये लेस इनफ्लेमेबल होते जाते हैं। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन वाला कंपाउंड होगा वो उसको आग लगाना मुश्किल होगा। अब है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें तो इसमें एक इसकी हेलोजिनेशन है, उसमें क्या होता है कि अगर मीथेन जो है ब्राइट लाइट में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी तो कार्बन और HCl बनाएगी, लेकिन ये जो रिएक्शन दिए हुए हैं ये डिफ्यूज लाइट में मतलब हल्की लाइट में। अब इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन
निकलता जाता है इसमें से, और क्लोरीन मीथेन में एक हाइड्रोजन कम होता जाएगा हर स्टेप पे और क्लोरीन ऐड होती जाएगी। जैसे CH4Cl2 है तो CH3Cl बन जाएगा और HCl बन जाएगा। इसको क्लोरोमीथेन भी कहते हैं, मोनोक्लोरोमीथेन भी कहते हैं, और इसको आप मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे फिर ये Cl2 इसके साथ रिएक्शन करेगा तो एक Cl इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये Cl2 हो जाएगा, उधर H2 हो जाएगा। अब देख रहे हैं ना, क्लोरीन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, हाइड्रोजन की कम होती जाएगी। इधर एक क्लोरीन था, अब अगले स्टेप पे दो क्लोरीन दो हाइड्रोजन, अगले स्टेप पे तीन क्लोरीन एक हाइड्रोजन, अगले स्टेप पे चारों क्लोरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये ट्राइक्लोरोमीथेन है जिसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, ये बेहोश करने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। और अगर ये जो मीथेन है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, मतलब जब ये कंबस्टन होती है इसकी, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट प्रोड्यूस करती है। और अगर ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन की कमी हो, तो ये जो मीथेन है ये कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। ये इसके चार केमिकल रिएक्शन, दो मैंने इधर शो किए हैं, एक वैसे आपको मैंने बता दिया है कि अगर ब्राइट लाइट हो तो मीथेन जो है क्लोरीन के साथ मिलके कार्बन और एचसीएल बना देगी। ठीक हो गया, अब आ जाएंगे इसके यूजेस। ये नेचुरल गैस के तौर पे यूज होती है डोमेस्टिक फ्यूल में, ये जो सीएनजी है कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, ऑटोमोबाइल फ्यूल के लिए यूज होती है, और ये बहुत से डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स बनाने में भी इस्तेमाल होती है। मतलब ये जो अल्केन्स हैं, इसका बेसिक फार्मूला अगर आप याद रखें तो अल्केन्स को अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो अल्कोहल बनते हैं, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें तो एल्डिहाइड बनते हैं, और एल्डिहाइड को अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ये इसकी मेन मेन चीजें हैं। इसको पढ़ें, समझें, और कुछ कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।